गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा पाँचवीं का फोर्थ लेसन, इसका जो थर्ड पार्ट है लिंग, वो करेंगे। इसके हमारी बुक एक्सरसाइज हो चुकी है, लेसन भी रीड हो चुका है, हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो करेंगे हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। हमें चार शब्द बताने हैं जो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फर्स्ट है हिमालय, सेकेंड है बुधवार, थर्ड है मई, फोर्थ है फ्रांस। जो महीने के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चार ऐसे शब्द बताइए जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। फर्स्ट है गंगा, सेकंड है देवनागरी, थर्ड है हिंदी, फोर्थ है हरियाणवी। जितनी भी हमारी भाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी नदियाँ होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। चार ऐसे शब्द बताइए जो पुरुष व स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसमें से हमने चार वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट है डॉक्टर, सेकंड प्रोफेसर, थर्ड राज्यपाल और फोर्थ क्या है, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आंसर हमें फेयर नोटबुक के अंदर पेंसिल के साथ राइट करने हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज और आपने ये राइट भी करने और लर्न भी करने। इसके बाद इसी लेसन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है वचन। क्या है नेक्स्ट पार्ट, वचन। सबसे पहले हम बताएंगे कि वचन होता क्या है। वचन जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि इसकी संख्या एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाता है, वचन। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले होता है एक वचन। एक वचन होता क्या है, जिस शब्द से हमें संख्या के एक होने का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, एक वचन। जैसे पेंसिल, पेंसिल एक होती है। ठीक है, पेंसिलें तो क्या होती है, बहुत सारी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन। उसके बाद है बहुवचन, जिस शब्द से हमें शब्द के एक से अधिक होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है, बहुवचन। एक वचन में क्या है, छात्रा, और बहुवचन में क्या है, छात्राएं। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, इस जो इस वचन का जो लेसन है उसकी जो पुस्तक में से इसको अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है।